स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, तो आज हम देखेंगे छठा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए, सो हाउ व्हाट डिटरमाइंस द प्रिसिशन, यानी प्रिसिशन को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे हम मालूम कर सकते हैं कि एक वैल्यू प्रिसाइज है या नहीं है। तो पहले प्रिसिशन की डिफिनीशन देखते हैं। प्रिसिशन की डिफिनीशन यह है कि दैट हाउ क्लोज द मर्ड वैल्यूज विद ईच अदर। सपोज करते हैं जी की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं किसी तरीके से, तीन स्टूडेंट्स है, पहले स्टूडेंट के साथ आया है 9.71, दूसरे के साथ आया है 9.75 और तीसरे के साथ आया है 9.73। अब अगर तीनों वैल्यूज में देख ले तो ये तीनों वैल्यूज आपस में बहुत करीब हैं, तो इन तीनों वैल्यूज को हम कह सकते हैं कि ये आपस में प्रिसाइज हैं। प्रिसाइज वैल्यू एक और चीज पे भी डिपेंड करती है, वो है इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब है वो कम से कम वैल्यू जिसके साथ हम इंस्ट्रूमेंट की पैमाइश कर सकते हैं, यानी उस वैल्यू से कम हम मेयरमेंट नहीं कर सकते, तो वो कम से कम वैल्यू लीस्ट काउंट कहलाता है। अब अगर एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम है तो वो वैल्यू आपका प्रिसाइज होगा, या एक वैल्यू अगर वो उसका लीस्ट काउंट कम है, अगर कंपैरिजन कर ली लीस्ट काउंट से, तो वो वैल्यू हम कह सकते हैं कि वो प्रिसाइज है। अब हम प्रिसाइज वैल्यू को या प्रिसिशन को हम कैसे मेयरमेंट, यानी हम कैसे उसको मेयरमेंट कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई वैल्यूज मेयरमेंट, जिसकी वैल्यू हम मेयरमेंट करते हैं, तो हम उसके लिए पहला इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। सपोज करते हैं एक लेंथ हम मेयर कर रहे हैं, मीटर रॉड से भी हम मेयर कर सकते हैं और स्क्रू गेज से भी मेयर कर सकते हैं और वर्नियर कैलिपर से भी मेयर कर सकते हैं। तो पहले तो हम मेयरमेंट के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। अब जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसका एक खास लीस्ट काउंट होगा, तो वो लीस्ट काउंट भी डिवाइस का असल में प्रिसिशन दिखाता है। कैसे, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी जो हम मेयर करें उसकी वैल्यू बहुत कम है, सपोज करते हैं एक की वैल्यू है 5.6, दूसरे का वैल्यू है 5.63। अब कम जो वैल्यू है वो है 5.63, तो जितना वैल्यू कम होगा उसके लिए हम प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। नहीं, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो कम से कम होगा, क्योंकि पैमाइश अच्छी तरीके से हो सकते हैं। सपोज करें अगर हम अपने बालों का जो लेंथ है अगर वो हम मेयर कर लें, तो मीटर रॉड से हम अच्छी तरीके से पैमाइश नहीं कर सकते, उससे बेहतर फिर हम वर्नियर कैलिपर यूज कर सकते हैं। अगर उससे यानी अच्छा इन मेयरमेंट कर ले तो फिर स्क्रू गेज हम मेयरमेंट उससे मेयरमेंट कर सकते हैं। तो यानी जितना फिजिकल क्वांटिटी कम होगा तो उसके लिए हम प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। अब सपोज करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, अगर पेंसिल का एक लेंथ है, अगर हम दो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, एक मीटर रॉड है एक वर्नियर कैलिपर। मीटर रॉड से हम उस पेंसिल की पैमाइश करते हैं वो है 5.5 सेंटीमीटर, अगर वर्नियर कैलिपर से हमने मालूम किया सपोज करते हैं उससे आया है 5.53 सेंटीमीटर। अब मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेंटीमीटर और वर्नियर कैलिपर का है 0.01 सेंटीमीटर। तो कौन सा इन दोनों में से कौन सा वैल्यू प्रिसाइज होगा, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी वर्नियर कैलिपर, क्योंकि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कम है, लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतना वैल्यू आपका प्रिसाइज होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर पेंसिल का हम लेंथ मेयर कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर से, तो ये वैल्यू प्रिसाइज होगा। तो हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि जितना एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा उतना हमारा वैल्यू प्रिसाइज होगा। तो हम कह सकते हैं अगर तीनों इंस्ट्रूमेंट का हम कंपैरिजन कर रहे हैं,
तो उसकी गेज का जो रीडिंग है वो ज्यादा होगा, अच्छा होगा, प्रिसाइज होगा वर्नियर कैलिपर से, और वर्नियर कैलिपर का मीटर रॉड से अच्छा होगा। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ टू क्वांटिटीज हैव डिफरेंट डायमेंशंस, इज इट पॉसिबल टू मल्टीप्लाइड एंड और डिवाइड, कैन वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट देम। अगर दो क्वांटिटीज उनका डायमेंशन डिफरेंट हो, यानी सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी ना हो, उसको हम आया मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर सकते हैं, और फिर कह रहे हैं कि उनको हम ऐड या मल्टी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को हम डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि वी विल ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली दोज क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशंस। अगर वो क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन सेम हो तो उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक फार्मूला है या एक बेसिक रूल है, तो इसके तहत हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो एडिशन जब हम और सब्ट्रैक्शन हम करते हैं, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि सिमिलर नेचर की क्वांटिटीज हो, तब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जिस तरह एप्पल को हम एप्पल के साथ ऐड कर सकते हैं, इस तरह नहीं हो सकता कि एप्पल को हम ऑरेंज के साथ ऐड कर लें, तो इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हम मैथमेटिक्स में भी हम इस तरह करते हैं कि लाइक क्वांटिटीज को हम ऐड करते हैं, अनलाइक टर्म को हम ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी इस तरह हम कह सकते हैं कि जब दो क्वांटिटीज एक नेचर के हो, तब हम उसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 4 सेंटीमीटर प्लस 5 kg, ये लेंथ है और ये मास है, टू डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, तो ये मीनिंगलेस है, कोई हमें मतलब नहीं देता। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब हम कर सकते हैं कि जो सिमिलर नेचर के हों, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है क्या यार डिफरेंट नेचर के हो तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आंसर है इसका, सो वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट टू डिफरेंट क्वांटिटीज विच हैव डिफरेंट डायमेंशंस। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई इस तरह फर्क नहीं है कि दो सिमिलर क्वांटिटीज हो या टू डिफरेंट क्वांटिटीज हो, तो सिमिलर और डिफरेंट को हम मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर kg ये मास है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये क्या है, ये वेलोसिटी, सो दिस इज मास एंड दिस इज सॉरी एक्सेलरेशन। तो जब भी मास और एक्सेलरेशन का हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे न्यूटन देता है। तो kg ये एक क्वांटिटी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये दूसरा क्वांटिटी है, सो दोनों क्वांटिटीज डिफरेंट डायमेंशन के हैं, तभी हमें कोई नई क्वांटिटीज दे देगा, तो वो न्यूटन है। तो यहाँ से पता चलता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पॉसिबल है सिमिलर में भी और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में भी। तो हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, व्हाइल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज पॉसिबल इन केस व्हेन द टू क्वांटिटीज और थ्री क्वांटिटीज हैव डिफरेंट डायमेंशंस। तो ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 इज, द ह्यूमन पल्स एंड द स्विंग ऑफ पेंडुलम आर पॉसिबल टाइम यूनिट्स, व्हाई आर दे नॉट ऑफन यूज्ड। यानी ह्यूमन पल्स और टाइम पीरियड जो पेंडुलम का है, वो दोनों टाइम की यूनिट्स हैं, लेकिन उसको हम स्टैंडर्ड क्यों नहीं लेते। तो पहले देखते हैं कि ह्यूमन पल्स किसे कहते हैं। ह्यूमन पल्स ये टॉपिक असल में बायो से रिलेटेड है। सो हार्ट बीट पर मिनट, यानी 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना यानी बीट करता है, धड़कन करता है। तो इसका जो एक नॉर्मल पल्स रेट है वो 60 to 100 है,
यानी एक नॉर्मल पर्सन का तो 72 समथिंग, यानी 1 मिनट में 72 टाइम्स वो पल्स करता है। तो इसकी कुछ रीजन है कि हमने क्यों ह्यूमन पल्स को स्टैंडर्ड नहीं लिया है। तो पहला तो पॉइंट ये है कि पर्सन टू पर्सन ये जो ह्यूमन पल्स रेट है वो चेंज होता है, यानी जब चाइल्ड होगा तो उसका कुछ और होगा, और जब जवान होगा तो कुछ और होगा, और जब बूढ़ा होगा तो कुछ और होगा। यानी इससे एक और भी फैक्टर आता है कि डिपेंड्स ऑन द एज, यानी एज पे भी डिपेंड करता है, यानी डिफरेंट एजेस पे इसका जो लेवल है, इसका जो रेट है वो डिफरेंट होगा। और लास्ट पे एक है लोअर पल्स रेट एट अरेस्ट, यानी अगर एक इंसान रेस्ट पे है, कोई काम नहीं कर रहा, तो उसका ह्यूमन पल्स वो कम होगा। जब कोई काम करता है तो जिस तरह हमारा सांस भी फूलता है, तो मोशन में वो जो पल्स रेट है वो हाई होता है। अब अगर देख ली तो ये जो ह्यूमन पल्स है इसको हम स्टैंडर्ड इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि एक फैक्टर एज आ गया, पर्सन टू पर्सन एक ही आ गया, और एक रेस्ट पे होगा जब इंसान जब मोशन पे होगा, तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट एल्टीट्यूड पे तो आपका जो पल्स रेट है वो डिफरेंट होगा, तो इसको हम स्टैंडर्ड नहीं ले सकते क्योंकि हमें फिक्स्ड टाइम लेना है। तो ये चंद वजूहात के बिना पर हम ह्यूमन पल्स को स्टैंडर्ड नहीं ले सकते। दूसरा इसका पोर्शन है कि हम जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम जो है वो हम क्यों नहीं स्टैंडर्ड लेते। तो टाइम पीरियड है एक ऑसिलेशन के लिए, जो टाइम है वो हमारा टाइम पीरियड है। अगर एक बॉडी इस तरह मूवमेंट कर ले टू एंड फ्रो एक मीन पोजीशन से, सपोज इस एक्सट्रीम से मूवमेंट कर ले मीन पे, फिर एक्सट्रीम पे, फिर वापस आए मीन पे, फिर एक्सट्रीम पे आए, तो ये एक वाइब्रेशन है, एक ऑसिलेशन है, इसके लिए जो टाइम होगा वो हमारा टाइम पीरियड कहलाएगा। इसका जो इक्वेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम फाइंड करेंगे, तो 2π√L/g है। तो अब यहाँ पे अगर टाइम देख ली तो एल लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और जी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो अगर लेंथ वेरी कर रही तो हमारा जो टेम्परेचर सॉरी टाइम है, टाइम पीरियड है वो भी वेरी कर रहा करेगा। तो लेंथ कैसे वेरी कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर वेरी करें तो इसकी वजह से लेंथ में भी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आएगा, तो इसकी वजह से लेंथ का इजाफा होना या कमी होना असल में टाइम पीरियड में भी इफेक्ट करेगा। तो एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा है जी, जिस तरह हम ग्रेविटेशनल फील्ड से ऊपर जाते हैं, यानी जमीन के सरफेस से ऊपर जाते हैं, तो जी की जो वैल्यू है वो कम होती है। तो जो जी की वैल्यू कम होती है तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा। जिस तरह यानी हम जमीन की तरफ आते हैं, जमीन की सरफेस की तरफ आते हैं, तो जी की वैल्यू ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, फिर कम होगा। तो इससे भी टाइम पीरियड कम और ज्यादा होता है। इस तरह से जब पेंडुलम मूवमेंट कर रहा होता है तो उस पे एयर यानी इफेक्ट कर रहा है, तो जो एयर का यानी फ्रैक्शनल फोर्स है एयर का, और साथ जो सपोर्ट है जिससे हम वो हैंग करते हैं, यहाँ पे इस सपोर्ट पे यहाँ पे जब मूवमेंट वो कर रहा है तो यहाँ पे भी कुछ फ्रैक्शन होगा। उसको हम आइडियली तो हम निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन असल में इसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से भी जो टाइम पीरियड है उसमें भी हमारा यानी कमियाँ ज्यादती आती हैं। तो यहाँ पे भी चंद वजूहात है, इस वजूहात के बिना पर भी हम टाइम पीरियड का जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है उसको भी हम स्टैंडर्ड नहीं ले सकते। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ड्यू टू दीज सम फैक्टर्स सो वी कैन नॉट टेकन द ह्यूमन पल्स एंड एज वेल एज द टाइम पीरियड एज द स्टैंडर्ड टाइम। सो क्वेश्चन 9 इज इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इज दैट अ राइट इक्वेशन, अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है आया वो इक्वेशन राइट कहला सकते हैं, यानी करेक्ट होगा। तो इसके लिए अगेन हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल को देखते हैं कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि डायमेंशन ऑफ क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम।
इक्वेशन के लेफ्ट पे भी और राइट पे भी दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। लेकिन एक करेक्ट इक्वेशन के लिए सिर्फ बोथ साइड पे डायमेंशन उसका सेम नहीं होना चाहिए, उसके लिए फिजिकली भी दोनों साइड पे वो इक्वेशन ठीक होना चाहिए। सपोज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का जो सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, इसको अगर देख ले एग्जैक्ट इक्वेशन ये है, लेकिन यहाँ पे देख ले s इज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर मिस है, तो लेफ्ट साइड का जो डायमेंशन है डिस्टेंस वो उसका लेंथ है l है, राइट हैंड साइड का डायमेंशन v इंटू टी डी अपॉन टी टी वो एक दूसरे के साथ कैंसिल होगा, तो d का जो डायमेंशन है वो है l, तो प्लस हाफ का तो डायमेंशन है ये वो कांस्टेंट है, तो दोनों साइड पे डायमेंशन सेम है, लेकिन दोनों साइड यानी ये जो इक्वेशन है वो फिजिकली करेक्ट नहीं है, तो इसको हम राइट इक्वेशन नहीं कह सकते। डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है लेकिन एक करेक्ट इक्वेशन नहीं है, सो इट इज नॉट एन करेक्ट इक्वेशन, नॉट करेक्ट इक्वेशन। तो हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि सो फिजिकली एज वेल एज डायमेंशनली शुड बी करेक्ट, इन इक्वेशन शुड बी फिजिकली एंड डायमेंशनली करेक्ट। तो एक इक्वेशन को डायमेंशनली भी और फिजिकली दोनों तरह से ठीक होना चाहिए।